ये तो लंच ही करने, ये तो लंच ही करने लगे है। ये कुछ खाने दे, खा ली क्या तुमने पहले? खा लिया समोसा। इसने खा लिया है। और ये देखो अभी हम तो समोसे खा रहे हैं, 20 रुपए का एक मिलते हैं यहाँ पे, 10 का मिलता है कच्चे समोसे। अरे झूठ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे मेरे चैनल पे तो आपको पता होगा कि मैं थर्ड ईयर में आ गया हूँ। और एज ए डेंटल स्टूडेंट पूरे दिन में थर्ड ईयर स्टूडेंट को कितनी तकलीफें से गुजरनी पड़ती है वो आपको आज मैं दिखाऊंगा कि आज पूरे दिन में क्या क्या करता हूँ मैं, कितनी सारी क्लासेस होती है और जो भी पोस्टिंग वगैरह है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो सबसे पहले ओपी का क्लास है यानी ओरल पैथोलॉजी, और मैं ये देखो रेडी हो चुका हूँ, अभी कॉलेज जाऊंगा और दिखाऊंगा आपको सारा कुछ। तो इस ब्लॉग में बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। आप वीडियो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, पर चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ और ब्लॉग में को पूरा देखो, लास्ट तक देखो, स्किप करके मत देखो, स्किप करने में बहुत कुछ छूट जाएगा गाइस। तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट कॉलेज में और हम नाश्ता कर लेते हैं। 5 मिनट्स लेटर। सो गाइस कॉलेज पहुंच गए हैं और ये देखो पार्किंग पार कर दिए हैं गाड़ी और जा रहे हैं क्लास। बाकी कॉलेज आने में हमको बहुत कम टाइम लगता है गाइस, बाजू में फ्लैट है ना। तो गाइस आज का क्लास पोस्टपोन हो गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पोस्टपोन बोलो, सस्पेंड बोलो, जो भी बोलो, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं हम लोग और सारे बच्चे यहीं बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओरल पैथो की क्लास ऐसे ही जाएगी हमारी, बाकी जो क्लास होता है वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ का क्या माहौल है लाइब्रेरी का। गाइस क्या हॉल है यहाँ का, आगे दिखाता हूँ मैं जूम करके, इधर है। और ये देखो यहाँ नोटिस बोर्ड भी लगे हुए हैं, बड़ा सब बुक इशू कराने के लिए लाइन में लगे हुए वहाँ पे, क्योंकि इसके बाद है पीडो का लेक्चर यानी पेरियोडोंटिक, पीडोडोंटिक बच्चों का डिपार्टमेंट जो भी होता है, तो सबको बुक की ज़रूरत पड़ती है इसलिए सब वहाँ लाइन में लगे हुए हैं। पंखा भी लगा हुआ है पर गर्मी लगती है यहाँ पे। और मेरे पास पहले से है। क्या इसके पास पहले से है बुक गाइस? हाँ सर, ये इसलिए वो भी ईवी लाइब्रेरी से इशू करा, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। बुक दिखाओ, बुक का फ्रंट पेज दिखाओ, ये देखो गाइस क्या लिखा हुआ है इसमें, पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। ये देखो छोटे से बच्चे दिख रहे हैं ना, ये बस बच्चों के बारे में ही पढ़ाया जाता है इसमें। ऊपर लिखा भी हुआ है टेक्स्ट बुक फॉर पीरियोडेंट, वो कितना मोटा है। ये तो एक बुक है ऐसा, बाकी और भी बुक हो सकते हैं। बाकी दीदी को देखो, दीदी हाई भी कर रही है ब्लॉग, वो पता चल जाएगा। बाकी ये देखो कंट्रीब्यूशन वगैरह इधर लिखे हुए हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता गाइस। पहले बचपन में हमको एकदम फोटो दिखते थे कलरफुल, लेकिन आपके बुक में देखो ब्लैक एंड वाइट फोटो और ये टेक्स्ट, कितने पढ़ते पढ़ते जन्म निकल जाएंगे हमारे। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, तब भी हम जल्दी से लाइब्रेरी से घर जाते हैं, मतलब लेक्चर हॉल जाते हैं, घर नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या फिर से बोलो, 2000 years later. So guys, क्लास खत्म हो गई है और इसको देखो हाय हाय हेलो कर लो तुम। यहाँ पानी भराया जा रहा है, हाँ पानी भराया जा रहा है, मतलब होता है कि पानी भरा जा रहा है। नहीं, कॉलेज में ना अभी नया नया लगा है तो लोग टेस्ट कर रहे हैं कि पानी कैसा है वहाँ का, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं बताओ, है बहुत दिन बाद लगा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू डीन सर और जो भी है। बाकी कोई ना कोई घुस जाता है गाइस ब्लॉग में। बाकी मैं मिलता हूँ आपको क्लास में, आप बने रहो। सो गाइस अभी पी हुए हैं और हम लोग खा रहे हैं, ये देखो समोसे खा रहे हैं। ये तो लंच ही करने लगे ये कुछ खाने दे, खा ली क्या तुमने पहले? खा लिया समोसा। इसने खा लिया है। और ये देखो अभी हम तो समोसे खा रहे हैं, 20 रुपए का एक मिलते हैं यहाँ पे, 10 का मिलता है कच्चे समोसा। अरे झूठ बोलो थोड़ा सा यार, जो बच्चे नहीं आए कॉलेज यार तुम समझ नहीं रहे, 10 का बताना नहीं है। इधर इस सामने में है हमारा मेस और उसी के बाजू में पेड कैंटीन जहाँ से अपन खरीद सकते हैं, ये है सामने कॉलेज। और ये देखो हमारा आई डी कार्ड भी आ गया गाइस स्टेट सिक्योरिटी का, आप देते हैं और आपको दिखाने लायक कुछ है नहीं। इधर देखो छोटा सा ग्रुप है, हाय हेलो कर रहे हैं। अभी हमको वंशिका तिवारी से मिलाते हैं, रुको खाते वक्त इसलिए रहे हो तो पतली होती जा रही है, पिछले ब्लॉग में लोग देखे होंगे तो मोटी थी, अभी पतली हो गई है लाइक अपूर्वा। ये देखो इसको गाइज, कोई आपके पास उपाय हो इसको मोटे होने का तो बताना।
गाइस ये जिम ज्वाइन करेगी तो पता है क्या होगा, इसको देखो इतना नहीं खाते हुए मोटी होते जा रही है। नहीं अपने मोटे होने का राज बताओ दोस्त। टेंशन नहीं गाइस, बहुत बड़ी बात बोली है, एज अ मेडिकल स्टूडेंट टेंशन नहीं लेना चाहिए। एज अ मेडिकल स्टूडेंट ही टेंशन लेना चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट की तरह टेंशन नहीं है, ऐसा बोल तो रही हूं। चिल एकदम खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कॉलेज में रखो। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम में एकदम टॉप कर जाते हैं, हम लोग यहाँ घूमते ही रह जाते हैं। देख लो शकल, देख लो इसका, गौर से देखिए इसको, यही है वो। ये बच्चे ऐसे होते हैं जो नंबर सीवेज की टॉपर। हाँ गाइस ये टॉपर तो है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे जो आपको बताएंगे कि फुल फोकस होगा बच्चे का। हाँ कि वो पढ़ती कैसे है, खाती क्या है, सौरव को कैसे पढ़ाता है, फर्स्ट ईयर को लेके। हाँ गाइस फर्स्ट ईयर में जो स्ट्रगल था, सेकंड ईयर का स्ट्रगल सब बताया जाए। इसके बात मत सुनिए गाइस, अपन घूमने से कब चल रहे हैं, तो ये संडे को जाएंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ब्लॉग चल रहा है। सो गाइस अब क्लास जाके मिलते हैं। भाजी बड़ा ये देखो सामने सर पहुंच गए हैं और ये बच्चे भागते हुए जा रहे हैं अटेंडेंस के खोज में। पीछे भी देखो ये है हमारे सर, अब ये ब्लॉगिंग करते देख लेंगे तो मार देंगे। ये है हमारा सामने क्लास, तो कर लेंगे सब खत्म हो गया है और अभी हमारा है पीरियोडोंटिक्स जो मैंने पहले बताया था। अभी पीरियोडोंटिक का लेक्चर स्टार्ट होगा, बाकी हल्ला बहुत हो रहा है क्लास में, चिल्ला बहुत रहे लोग, सर चले गए क्लास में, सब ऐसे ही मेरा तो गर्मी कितना है, गर्मी की वजह से सबका हालत खराब है और मेरा भी हालत आप देख ही रहे हो, ऊपर फैन भी नहीं है। एक बात है लगाना चाहिए गाइस, क्योंकि सबका हाल देखो, ये देखो पंखा हाल खुद से कर रही है, खुद से पंखा होगा जा रहा है हाथ पे। मेरी भी हालत ऐसे ही है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वीडियो का क्लास अटेंड करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक आप ब्लॉग में बने रहो। 4 to 6 weeks later So guys, खाना होना खा लिया है और लेट हो चुका है कुछ ज्यादा ही, इसलिए जल्दी से क्लास जा रहा हूँ, बाकी आपको मिलते हैं पोस्टिंग में। सो गाइज अभी हम लंच कर लिए हैं और आगे डिपार्टमेंट में भी जहाँ मेरा पोस्टिंग है OS में, यानी ओरल मैक्सिलो फेशियल सर्जरी में। बाकी मैंने मिस भी सूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था यार, क्योंकि वहाँ चल रही थी एडमिशन, अब खाना वहीं खा रहा था। बाकी अभी देखो डिपार्टमेंट पोस्टिंग है, आइए देखो। हाय, इधर देखो इसको, श्वेता सिंह को, ये है हमारा OS डिपार्टमेंट, मतलब आपको दांत निकलवाना हो तो आपको इधर ही आना पड़ेगा, ऐसे सिंपल समझो। कभी दांत निकलवाना हो तो आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, OS में, ठीक है। और बाकी इस डिपार्टमेंट से डेडिकेटेड एक हम पूरा वीडियो बनाएंगे सिर्फ OS डिपार्टमेंट लास्ट डे पे, वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन, तो सब्सक्राइब कर डालो अभी और जो भी होता दिखाते लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो दोस्तों, बता रही देखो गाइस बता रही हो, बहुत प्यार से बताएगी। ये लोग फोटो देख रहे हैं और ये हाँ सर ये हाँ ये लोग जो दिख रहे हैं ना दोनों भुखर दिख रहे हैं, हम बताएं तो गाइस मैंने नहीं खाया, मिलते गाइस कुछ देर बाद, तब तक आप प्रीमोलर से अपन जाएंगे 90 डिग्री पे, ठीक है, अंदर बस एंटीरियर 2/3 बस बहुत थोड़ा सा नीडल डालेंगे, एस्पायरेट करेंगे, अगर ब्लड आया तो छोड़ देंगे, निकाल लोगे दूसरे, और अगर ब्लड नहीं आया मतलब तुम्हारा लोकेशन सही है, डिपॉजिट कर दोगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मेंटल नर्व ब्लॉक, ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है, ये टुवर्ड्स बोन रहेगा, मतलब अगर हम लगा रहे हैं तो ऐसे।
सो गाइस क्या बताएं आपको, व्लॉग के चक्कर में ये देखो लोकल लिखनो क्या एले एनीथिंग से जैसे सुन हो जाता है ना वो मेरे मुंह में डाल दिए ये लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। इधर का पूरा एरिया जो सेंसिटाइज हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम टाइट लग रहा है। बाकी आज का पोस्टिंग तो यहीं ख़त्म होता है, ऊपर से मेरे को पनिशमेंट मिल गया कि 1 किलो मिठाई लेके आना है। बाकी पूरा एरिया गायब हो गया, ये देखो इस पर लिखा हुआ है, देखो अगर आ रहा होगा तो लिखनो का ये मुँह में डालते हैं। तो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू सो मच 1K कंप्लीट करने के लिए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप बने रहो।